Hello everyone, today we are going to do exercise D. I have discussed exercise C in my previous video, and if you have not subscribed my channel, so for the next video solution please do subscribe my channel. So today we are going to do exercise D. Choose the correct collective noun from the box and complete each sentence. The first one has been done for you. So spellings are given to you here, so only pronunciation I will tell you for this exercise. So we are going to start this exercise now. Number one, the woman hurled a dash of abuses at her attacker. तो ये बताया गया कि एक वूमेन थी, उसने जिसने उस पर अटैक किया उसको उसने एब्यूजिस वर्ड्स का एक बहुत सारे एब्यूजिंग वर्ड्स बोले, जिसको बोलते हैं खरी खोटी सुनाना. तो उसी तरीके से उसने बहुत सारे एब्यूजिंग वर्ड्स बोले. तो जब उसको हम बोलेंगे कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसको हम वॉले बोलते हैं. इसमें वॉले का स्पेलिंग आपको फिल किया हुआ है. अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी समझ में आ रहा है, यू कैन चूज़ फ्रॉम द बॉक्स गिवन हियर. सो नंबर टू, a dash of police officers was stationed outside the attacker's embassy as a security measure. So dash of police, dash का मतलब हो गया पुलिस की. अब यहाँ पे जो भी हमको दिख रहे हैं वर्ड्स उसमें हम टीम का यूज़ करेंगे. a team of police officers was stationed outside the attacker's embassy as a security measure. मतलब अटैकर्स एम्बेसी के बाहर जो है सिक्योरिटी मेजर की वजह से पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम को जो है वहाँ पर रखा गया था. सो आवर नेक्स्ट इज नंबर थ्री, द पुलिस यूज टीयर गैस टू डिस्पर्स द डैश ऑफ हूलिगन्स. यहाँ पे बताया गया कि पुलिस ने टीयर गैस का यूज़ किया. डिस्पर्स मतलब आप समझ सकते हैं कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए. तो भीड़ का जो शब्द होता है वहाँ पर अगर हम जाके बॉक्स में देखेंगे तो हमको मिलेगा मॉब, MOB. तो यू कैन फिल इट हियर. नेक्स्ट फोर्थ नंबर, अ डैश ऑफ लोकस्ट्स डिसेंडेड अपॉन द विलेज. तो बताया गया कि लोकस्ट जो अब आजकल सुनते भी हैं आपकी टिड्डियाँ होती हैं, उनको उन्होंने जो है अटैक किया विलेज पर. तो उनके जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं स्वार्म. स्पेलिंग यू कैन चेक इन द बॉक्स. नंबर फाइव, द बेडरूम डैश कंसिस्टेड ऑफ ए बेड. मतलब बेडरूम का जो इसमें बेडरूम मतलब बताया गया कि बेडरूम का जो सेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, उसको बोलेंगे हम कलेक्टिवली एक नाउन यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे सूट. द बेडरूम स्वीट, द बेडरूम स्वीट, SUITE. द बेडरूम स्वीट कंसिस्टेड ऑफ अ बेड, a wardrobe and a dressing table. SUITE. इसको suit नहीं पढ़िएगा, suite पढ़िएगा. Number six, the farmer's cart was pulled by a dash of oxen. Oxen का एक कह सकते हैं कि pair जो है वो मतलब ox जो है वो cart pull करते हैं. आपने सुना होगा बैलगाड़ी बोलते हैं, तो उसको खींचने के लिए हम कितने लगाते हैं वहाँ पे, टू. अब टू हैं तो हम उनको हम कपल बुला सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद भी अब मैंने कपल के लिए आपको पीछे भी बताया था कि वो एक जैसे दो नहीं होते हैं बेसिकली, तो हम कपल का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद चलते हैं सेवेंथ नंबर में, यूरोप वॉज इन्वेडेड बाई डैश ऑफ सेवेजेस इन द मिडिल एजेस. यूरोप पर चढ़ाई की गई थी, बहुत सारे लोगों ने चढ़ाई की मिडिल एजेस में. तो यहाँ डैश ऑफ सेवेजेस में डैश की जगह आएगा होर्ड्स, होर्ड्स ऑफ सेवेजेस. एट्थ नंबर देखिए, द फिलेटली एग्जिबिशन हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग डैश. तो यहाँ पर बताया गया कि फिलेटली एग्जिबिशन जो था उसमें बहुत सारा कुछ उसमें इंटरेस्टिंग जैसी चीज़ें थी. तो इसमें ग्रुप डालना है, ग्रुप वर्ड डालना है, तो हम यहाँ कलेक्शंस डाल सकते हैं जो कि बॉक्स में भी गिवन है. द फिलेटली एग्जिबिशन हैड सम वेरी इंटरेस्टिंग कलेक्शंस.
सो इट वॉज द वीडियो ऑफ योर एक्सरसाइज डी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज ई ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर 3 क्लास 6. एंड फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू मे गेट द रिलीज वीडियो वेरी क्विकली फॉर योर सॉल्यूशन. ओके.